प्रधानमंत्री के चुनाव चल रहे हैं, माथे पर ही आ गए हैं वो। दो ढाई क्षेत्रों में वोटिंग होना और बाकी है, फिर अगले महीने की पीटीएम में रिजल्ट पता चल जाएगा। सभी चुनावी पार्टियां अपनी चुनाव की तैयारी में लग रही है। टीम बीजेपी से मोदी जी भाई साहब आए हैं, जिनने ये मोटा भाई को बोल के अपने लैपटॉप में फाइबर नेट की तार घुसड़वा ली है और अपने यूट्यूब चैनल पर हर 10 मिनट में धमाधम वीडियोस पोस्ट करे जा रहे हैं। मोदी जी का एक यूट्यूबर दोस्त भी है, यूट्यूब के क्षेत्र में उसको यूट्यूबर बीजेपी के नाम से जानते हैं। वो भी चुनाव की बढ़िया तैयारी कर रहा है। आधा किलो मूंग दाल के बदले एक टीम खड़ी करी है, रैपर, डांसर्स, मॉडल्स और एक्टर्स हायर करें, जिनसे अपनी पार्टी का शानदार टाइटल ट्रैक बनवाया है। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा गाने का। दूसरी जो चुनाव की पार्टियां हैं, उनकी यूट्यूबर बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हाई क्वालिटी पैरोडीज भी बन रही है। देखिए तो काम तो दीदी सब समय हम पे ब्लेम करता है, अब हम हमारा अलग से बिल्डिंग बनाएगा। बाकी की जो चुनावी पार्टियां हैं, वो भी कर रही है अपना अपना प्रमोशन, अपने अपने स्टाइल हैं सबके, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं सारे। 10 साल से खड़ी है, इसलिए स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। सरकार ही है, तभी तो 10 सालों से बस खड़ी है। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। लेकिन ये जितनी भी चुनावी पार्टी है, सबको जोड़ लो और आपके फेवरेट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उनको कर दो एक तरफ। दूसरी तरफ एक और पार्टी है, एजुकेशनल पार्टी। इस पार्टी में सबसे अच्छे नेता हैं, ग्रीन स्क्रीन लेकर चलते हैं साथ में। एजुकेटेड लोग उनको चौथा पिलर भी बताते हैं डेमोक्रेसी का। पिछले एक महीने से ये बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को। इससे पहले कि आपको ऐसा लगे कि मैं किसी पार्टी की पप्पी ले रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मेरी तो खुद की पार्टी है। ये वीडियो बनाने के बाद इस पलंग पर नींदों में, समझ गए, अपना हिसाब बराबर हो गया ना। तो अभी अपन एक एक करके सारी पार्टियों के फीचर्स देखेंगे। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? तो ये एजुकेशनल पार्टी के सीईओ बता रहे हैं, पिछले एक महीने से आपदा दिखा रहे हैं देश में चलती हुई, जिस आपदा का अवसर बना लिया इनने। 4-5 चैनल भी खोल दिए और उसमें डबिंग चलती है बढ़िया। वणक्कम नंबर्गले, नमस्कार मित्र लहरा, नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार नमस्कार बुंदुरा। भाई साहब अपने चड्डे के पीछे वाली जेब में एक स्कैनर लेके घूमते हैं, जिसे नेटफ्लिक्स स्कैन करके अपनी एरेटेड पिक्चरें और वेब सीरीज प्रमोट करवा लेता है। तारीफ होके गड्ढे खोद देते हैं भाई साहब। रमाधीर सिंह के सामने बैठ के अपना दबदबा जमाए रखते हैं, खुद का भी रोब दिखाते हैं, ऐसे सीन्स देखने का मजा ही कुछ अलग है। पर एग्जाम में अगर किसी ने आपसे पूछा कि एक परफेक्ट शो बताओ, तो आंख बंद करके आप ब्रेकिंग बैड लिख दो। बॉलीवुड से जब भैया का स्कैनर कोई स्कैन नहीं करता है, तो फिर भैया को वो चीज अच्छी नहीं लगती। यूथ डिस्ट्रॉयर घोषित कर देते हैं उस पिक्चर को फिर ये। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में समाज के लिए कैंसर है। इस तरीके की फिल्में कैसे समाज के लिए कैंसर है। नेटफ्लिक्स ने जो चीजें इनसे प्रमोट करवाई थी, उनमें भैया ने बता दिया था कि सारी 18 पिक्चरें, 18 के लिए बढ़ती है ये। एनिमल भी तो 18 प्लस थी, उसमें क्या हो गया? हो सकता है आपको आगे ऐसा लगे कि मैं एनिमल मूवी की पप्पियां ले रहा हूं, बट मैं अपना फिर से मैटर क्लियर कर रहा हूं। इस मूवी के ऊपर मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, ये वाला वीडियो है वो, इस वीडियो के बाद देख लेना अगर आपका मन है तो। इन शॉर्ट में बताऊं तो थर्ड क्लास पिक्चर है, झेल भी नहीं सकते पूरी पिक्चर को, ऐसी पिक्चर है वो। जब मुन्नू सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाता है तो उसे एनिमल जैसी फिल्म देखने को मिलती है। ओ मुन्नू के पापा, डट जा थोड़ा, 18 प्लस पिक्चर है दादा भाई, तेरा मुन्नू क्या लेने पहुंच गया वहां पे। इसका 12 साल का मुन्नू अभी तक ढंग से 7वीं क्लास भी पास नहीं करा है और इसने भेज दिया उसको एनिमल के थिएटर में। भाई साहब वहां पे गार्ड रहता है। मेरी भी एज पूछ रहा था वो जब मैं देखने गया था, मेरी तो छोड़ो, मेरे 35 साल के कजिन भैया की एज पूछ रहा था वो। तेरा मुन्नू कैसे फांद के चल जाएगा उस गार्ड को अंदर। यूट्यूब पर मुन्नू छपरी यूट्यूबर्स को फॉलो करता है, मुन्नू की जिंदगी में पूरा माहौल ही ऐसा है, हर जगह रिग्रेसिव व्यूज, रिग्रेसिव व्यूज। एजुकेशन क्यों नहीं ले रहा ये, चारों तरफ कहां देख रहा है वो ऐसा कंटेंट। सुबह 7:30 से 2:30 बजे तो वो स्कूल जा रहा है, फिर आके बेचारा खाना खा रहा है 3 बजे तक, 1 घंटे सो के 4 से 6 वो साइकिल चला रहा है, 6 से 8 उसकी मम्मी पढ़ा रही है, 8 से 9 वो टीवी पर डोरेमोन देख रहा है, 9 बजे उसकी मम्मी टीवी बंद करके सुला देती है मुन्नू को, फिर कहां से दिख रहा है उसको ये कंटेंट। नींदों में सपने आ गए क्या? एनिमल मूवी में सुट्टे का पोस्टर बना रखा है इन लोगों ने, उसको देखकर भैया ने बोला कि ये पिक्चर तो कैंसर प्रमोट कर रही है। जब फिल्म का हीरो यहां पर कैंसर को प्रमोट करेगा स्मोक करते हुए, कर रही होगी भाई अपने को नहीं पता, लेकिन गैंग्स ऑफ वासीपुर में भी तो सुट्टे चल रहे थे, उसमें तो बड़ा सुट्टा लेके घूमता था वो। जब फिल्म का हीरो यहां पर कैंसर को प्रमोट करेगा स्मोक करते,
करते हुए। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक मानी जाती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर की सक्सेस में अनुराग कश्यप का बड़ा हाथ था, ये बात ऑब्वियस सी है कि इस तरीके की फिल्में कैसे समाज के लिए कैंसर है। चरस गांजे में कैंसर के पार्टिकल्स नहीं होते, हर्बल चीज है वो। अब तो डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं, मेरे पास ले गया ना उस डॉक्टर को, तुम बुद्धि का साइज छोटा हो जाता है और 90% जो बिक रहा है वो कचरा माल है, बाकी का 10% भी आपको कोई निहाल नहीं करेगा, तो इससे अच्छा है दाल रोटी खाओ। बढ़िया भैया, ऐसे भी बताते हैं कि जो ये गोर टाइप की मूवीज होती है जिसमें वायलेंस होता है, ड्रग्स अब्यूज होता है, लड़कीबाजी होती है, ये देखने वाले दिमाग से पैदल लोग होते हैं। किसी का सिर फटते हुए देखेंगे, किसी को चाकू से कटते हुए देखेंगे, ये सब देखकर बड़ा दिल खुश हो जाएगा हमारा। इनके क्षेत्र में होता होगा ऐसा, हमारे यहाँ पे तो नहीं होता है, लेकिन चलो मान लेते हैं भैया के कहने के हिसाब से होता होगा। तो भैया ने जो ये ब्रेकिंग बैड प्रमोट करी थी उसमें ना सुट्टा था ना चरस गांजा था, उसमें तो अलग ही लेवल के नशे चलते थे जिसका नाम लेने में मेरे को डर लग रहा है, क्या पता शायद यूट्यूब मेरे को धर ले। मेथी जैसा कुछ नाम है उसका, आप गूगल कर लेना। थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ, ये पतले पतले दांत हो जाते हैं सारे, आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है, बाल उड़ जाते हैं, आदमी को ऐसे कर देता है वो, झुका देता है बीच में से। इसी ड्रग के ऊपर पूरी स्टोरी थी ब्रेकिंग बैड की, वायलेंस भी तगड़ा था, आदमी रहे थे उसमें तो। बट जिसने भी ब्रेकिंग बैड देखी है वो तो रेगिस्तान में अपनी वैन लेकर नहीं घूम रहा मेथी की खेती करने, ट्यूटोरियल नहीं दिया होगा ना ब्रेकिंग बैड में तो। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है दोस्तों कि कुछ लोगों को इतना वायलेंस और खून खराबा देखना क्यों पसंद आता है। यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो अपनी असल जिंदगी में पावरलेस और रिप्रेस्ड फील करते हैं। गोर टाइप मूवीज देखने का जो डिस्क्रिप्शन भैया ने दिया है उस हिसाब से तो जब इनने गोर प्रमोट किया था तो इनने भी देखी थी, तो इस हिसाब से इनके इमेजिनरी मूर्ख आदमी का और इनका मैच हो गया। कोई इंसान जो अपनी रियल लाइफ में अपने बॉस के नीचे दबा हुआ है, पुलिसमैन के नीचे दबा हुआ है, या अपने पेरेंट्स से घर में बहुत डांट खाता है, इस तरीके के लोगों को इस टाइप की गोर वायलेंट फिल्में सबसे ज्यादा पसंद आती है। चुनावी वोटिंग का जो सीन चल रहा है इस मैटर में भैया ने बताया कि बीजेपी को वोट ना देके आप किसी बाकी किसी भी पार्टी किसी को भी दे दो, इससे अच्छा ऑप्शन है। जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारी पार्टी वाले, इतना इतना फर्क है, कोई ये है तो कोई ये है। ऐसे मान लो पैसे कमाने की एक नदी चल रही है जिसमें कोई अंडर वाटर कर रहा है, कोई बैठा ही है, कोई बटरफ्लाई मार रहा है, कोई सीधा सीधा ही चल रहा है, कोई ऊपर ऊपर तैर रहा है, लेकिन है तो सारे इसी नदी में, गोते तो सभी लगा रहे नदी के अंदर, बस कौन ज्यादा लगा रहा है कौन कम लगा रहा है। तो यही है अपना देश, ऐसे ही हालत चलती है इसमें। एंड फॉर सेफ्टी एंड लीगल रीजंस दिस वीडियो इज अ जोक, सो प्लीज डोंट सू एंड किल मी, ठीक है सर। तो जो भैया के बाकी ऑप्शंस है ना उनकी मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ आपको। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब से लेके जब बीजेपी की सरकार आई उस टाइम पीरियड में जो भी अच्छे काम इनने करे हैं वो मैं बताता हूँ आपको, टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहा हूँ मैं, बाकी की चीजें आप देख लेना। और जो मैं ये बता रहा हूँ इसका रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ दादा भाई, मेरे को मत लपेट देना बाद में। तो 2005 और 6 में इनने करा 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला। कोई भी सिम की जो कंपनी होती है उनको अपना नेटवर्क के लिए एक स्पेक्ट्रम चाहिए होता है, स्पेक्ट्रम एक जुगाड़ होता है, उसका लाइसेंस चाहिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रूपए का लाइसेंस है तो वो कांग्रेस ने रिलायंस को 50 रूपए में दे दिया। इस घोटाले का पैसा गैस करो आप, कितने पैसे जेब में डाले थे इनने। कॉपी पेन लो, 1,76,000 लिखो पहले, तो आप लिख लिया ना, अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 करोड़ से, क्या और नहीं लिखा जा रहा क्या, क्यों हिला डाला ना। 1,76,000 करोड़ का स्कैम करा, 1,76,000 करोड़ रूपए दीवारों में, जेबों में, बोरियों में, जहाँ जहाँ पे भी नजर गई सब में घुसा दिया इनने कांग्रेस वालों ने। और आज कांग्रेस के लीडर्स ऐसे बोल रहे कि मोदी ने अंबानी और को बनाया है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं, 22 लोगों का उन्होंने 16,00,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। ऐसे मान लो कि एक घर है, उसके एक मंजिल के 4 पिलर प्लस 4 साइड की दीवार जमीन ये बना के दी कांग्रेस ने, छत डाल दी मोदी जी ने। अब जो बचा कुचा घर है वो आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा आपको, कोई भी आए छोटी छोटी ईंट चिनाई तो चलती रहेगी। इसके बाद का घोटाला है 2008-09 के बीच में, कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे एक, उसमें इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा, ओलंपिक टाइप कुछ गेम्स थे उसमें ना स्टेडियम बनाए थे इनने, उसमें काम कैसे किया था बहुत मस्त काम। तो ये बुक है जैसे मानो 50 रूपए की, कांग्रेस वालों ने दिखाया उसको 50,000 की, ये रिमोट है 20 रूपए का लेकिन उस टाइम पे 10,000 का था। राम मंदिर जो बन गया है उसको नहीं बनने के विरोध में इन्होंने केस कर रखा था, सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा था, कांग्रेस वालों ने वकील बिठा रखे थे कि राम मंदिर नहीं बनने देना है, राम मंदिर के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे वो लोग। तो ये एक समुन्दर का एक मग्गा मैंने पिला दिया आपको, बाकी का समुन्दर आपको चाहिए कांग्रेस का तो नेट पे देख लेना। अब आते हैं अपन आम आदमी पार्टी पर। शरीर में प्राण है तब तक जन लोकपाल के बारे में लड़ते रहूंगा। 2011 में अन्ना हजारे ने एक आंदोलन चालू किया था, समाज सेवक आदमी थे वो, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, उनको सिर्फ ये चाहिए था एक कमेटी होनी चाहिए
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो भी कांड कर रही है, कुछ गलत कर रहे हैं या जो भी सही कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स रखने के लिए लोकपाल करके कमेटी बिठानी थी उनको। तो इस मैटर में उन्होंने पूरे देश में पैदल आंदोलन किए थे, उसमें किरण बेदी जो IPS थी वो शामिल थी, बाबा रामदेव और कुमार विश्वास ये सारे साथ थे। अरविंद केजरीवाल ने उस टाइम पे इनको ज्वाइन किया था, IT कमिश्नर थे वो, उन्होंने रिजाइन देकर अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे वो। अब इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बढ़िया हो गई, वो कैसे हुई, लोग देखे कि यार IT कमिश्नर आदमी है ये, तो इसने अपनी नौकरी छोड़ के ये इस आंदोलन में जुड़ा है, देश को कितना भला चाहता है ये आदमी, तो ऐसे करके आंदोलन चला इनका। और मुद्दा ये था कि लोकपाल बनाओ, तो कांग्रेस ने पुलिस वाले भेजे उस रैली में और सब पे लाठी चार्ज करवा दिया, कुटाई कर दी सबकी। उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं तो पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, मेरे से नहीं होती ये रैली वैली, मैं तो सत्ता के अंदर जाऊंगा फिर बनाऊंगा लोकपाल, मैं खुद ही करूंगा ये। अन्ना हजारे का मोटिव था ही नहीं पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, उनका सीधा सीधा था कि भाई लोकपाल बना दो, जो भी ये कांड चल रहे हैं, कांग्रेस से परेशान हो गए थे वो कि भाई ये बहुत ज्यादा कांड कर रहे हैं, लोकपाल बनाओ और इनकी लपेटो इनको। तो जब केजरीवाल ने पार्टी बनाने की बात करी तो अन्ना हजारे बोले अरे यार ये तो धोखाधड़ी कर रहा है, ये तो बेकार आदमी है, और अरविंद केजरीवाल को भगा दिया अपनी टीम से, और ये पूरा जो भी मोटिव था ये खराब हो गया, फिर सारे बिखर गए थे। तो इस मैटर का कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पॉपुलैरिटी तो मिल गई थी, तो लोगों ने वोट दिए, लेकिन इतने भी नहीं आए। बट आम आदमी पार्टी ने क्या किया, जो आंदोलन चल रहा था वो कांग्रेस के खिलाफ चल रहा था, लेकिन बाद में कांग्रेस और इसने दोनों ने मिलकर इस सरकार बना ली, मतलब जिसके खिलाफ लड़ाई चल रही थी उसी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया। वाह जी वाह, फिर आपकी और कांग्रेस की मिलकर सरकार बन गई, लेकिन 2-4 महीने में ही कांग्रेस ने इसको भगा दिया, अपना मत वापस ले लिया और सरकार टूट गई। फिर वोट में खड़े हुए और दिल्ली वालों ने फिर से आपको वोट देकर जिता दिया, ऐसे करके हुआ था ये मैटर, जो मैंने तो इंटरनेट से उठाया है, मेरे को मतलब फेर देना बाद में। भाई मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मेरी पार्टी का सीन मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसका अब समय हो चुका है, मैं चला नींद लेने, आप ये मैदा बेसन ले लो। राधे राधे।